भले सदगुरुदेव की जय। साहेबंद की सात दीप नवखंड में गुड़ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो है। कुछ लोग अपनी प्रतिभा को स्थापित करने के लिए साहेब की वाणी को काट छांट करके बोल रहे हैं, शास्त्र विसंगत बात न हो। साहेब ने अपना पक्ष बहुत साफ साफ रखा है। को कहे वेद झूठा, को कहे वेद झूठा, झूठा सो जो वेद न बिचारा। अर्थात पूर्वजों के लिखे हुए हैं, उनमें से सार सार कह लीजिए, थोथा ले उड़ाए, पर गुरु की अस्तित्व अनंत सभी शास्त्रों ने एक मत से की है। पर ठेलुआ गुरु, ठेलुआ लोग कलयुग में कह रहे गुरु की जरूरत नहीं है। हुआ, ये मैं राग से बात नहीं बोल रहा हूं, आश्चर्य हो रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति है कि ऐसे गुरुआ लोगों के पास भी, ठेलुआ लोगों के पास भी काफी लोग पहुंच जाते। यहां साहब ने एक बात कह दी, अंधा अगुआ तह परमाई, बहु अंधे तह पीछे जाई। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। गुरु ईश्वर गुरु पार ब्रह्म, सदगुरु सबका देव। अभी साहब यहां क्या करें, गुरु के स्वरूप से ही पारक गुरु निकलता है, वो हमेशा आपका मार्गदर्शन करेगा। गुरु समृद्ध जय सर खड़े, कमी कहात है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे भक्ति ने छोड़े साथ। गुरु बिन पार न आवई ताते शरणा लेव, गुरु शरणा सबंते भारी। सबसे गुरु इष्ट सबसे बड़ा इष्ट का, गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन, यह सरस दूजा नहीं, जब योग तब व्रत दान पूजा, तृण सदृश जग कही। गुरु की शरणा लीजिए भाई, जाते जीव नरक नहीं जाई। एक जमाना था, हमारे देश की एक ट्रेडिशन रही है शुरू से, जो गुरुमुख नहीं होता था उसके हाथ से भी लोग भोजन नहीं खाते थे। ये दृढ़ धारणा थी, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना हुई, कोटन बांध करे जो कोई। गुरु शरणा समिन से भारी, समझ गौ सोई नर नारी। जो गुरु इष्ट मानते हैं वो सबसे बड़ी बात है। कहता हूं हेला, गुरु का गुरु चेले का चेला। लेकिन हाँ, जब मैं अब ये साहब क्या कह रहे हैं धर्मदास जी को, भाई मैं फरमान बोल रहा हूं, गुरु का गुरु चेले का चेला, बोला मैं चेले के लक्षण भी बता रहा हूं, गुरु के भी बता रहा हूं। जब ये मैं लक्षण बताता हूं तो ठेलुआ गुरुआ बहुत नाराज हो जाते हैं। भाइयों, ये साहब की वाणी में गुरु गुरु जाप करो मन मेरा, काल दूत नहीं आवे नेरा। गुरु का ध्यान धरो नर नारी, सहजे सहज तरो संसारी। सहजे इजी, आसानी से। गुरु गुरु सिमरो मन से प्यारो, गुरु गुरु कहो कष्ट कोट अवतारो। गुरु गुरु जाप करो सब सारे, दुर्मत कपट दूर तर तारे। एक नाम गुरुदेव दिखाई, सो निज नाम कल्प नहीं जाई। हाँ, गुरु का सुमरण निस्दिन कीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। यहाँ एक प्रश्न होता है, जो कह रहे हैं गुरु की जरूरत नहीं, उनसे ये प्रश्न है मेरा, तो फिर तुम किस बात के अगुआ बनकर बात कर रहे हो, जब सब ऑटोमेटिक हो गया, तुम कौन हो फिर, तुम क्या कहना चाह रहे हो फिर, तुम कहना क्या चाह रहे हो, विचारो खुद अपने दिमाग से। तुम गौण रूप से गुरुत्व की तरफ लोगों को खींचना चाहते हो ना, अगुआ तो बनना चाहते हो ना, और गुरु के अस्तित्व को नकारते हो। गुरु का सुमरण निस्दिन कीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। एक नाम गुरुदेव दिखाई, सोच नाम कल्प नहीं जाई। मुझे मेरे एक सत्संगी ने कहा, गुरुजी आपके नियम थोड़े सख्त है, इसमें थोड़ी ढील दो बड़ी पब्लिक आ जाएगी। मैंने कहा 100 कपूतों से एक सपूत अच्छा।
मेरा विश्वास संख्या बढ़ाने में नहीं है, गुणवत्ता को सृजित करने में। नर्क के सात द्वार मैंने पहले बताए, मैंने कहा नियम के बिना सत्य समान धर्म नहीं आना। सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना, क्योंकि ये सात नर्क के द्वार है। झूठ, छल, परस्त्री गमन, क्या ऐसे ठेलुआ पाप पुण्य कुछ नहीं मान रहे? वो खुद ब खुद आएगा। अरे जब खुद ब खुद आएगा तो पूरी दुनिया क्यों डूब रही है फिर? वो खुद ब खुद आएगा। अंधा अगुआ तह पुरमाई, भाव अंधे तह पीछे जाई। एक नाम गुरुदेव बताई दिखा, सोने नाम कल्प नहीं जाई। वाह, कुछ लोग इमोशनली आदमी का ब्लैकमेल करते हैं। अब यहां साहब क्या करें? गुरु सुमरण निज नाम विचारे, आप तरे और इनको तारे, सदगुरु शब्द नाम निर्धारा, बहुत सागर से उतरो पार। तो मुझे ये कहा कि गुरुजी थोड़ी शर्तें वो करो। मैं देख रहा हूं कुछ पंथ और मत मतांतरों में लोग बहुत है, क्यों? वहां कोई कड़ाई नहीं है, जो करना है करो, जो खाना है खाओ, कोई बंदिश नहीं। फिर गुरु का शब्द फिर क्या हुआ? गुरु आज्ञा ते आवे, गुरु आज्ञा ते जाए, कहे कबीर दास को तीन लोग डरना है। वो आहुत करते हैं, जाल में फंसा देते हैं। गुरु का स्मरण कीजिए, निस्दिन ध्यान लगाए, गुरु लक्षण अब कहते हूं सुनो धीर चित लाए। जब मैं ये गुरु के लक्षण बोलता हूं तो सबकी नाड़ियां दब जाती है, क्योंकि गुरुआ ज्यादा है, वंशक गुरु ज्यादा है, जिन्हें न आत्मा का ज्ञान है, न तत्व का बोध है, न शास्त्रों का बोध है। अब यहां साहब कह रहे हैं गुरु के लक्षण कहे तुम सुनो धीर चितलाए। आगे साहब एक शब्द और कह रहे हैं, कहता हूं हिला, गुरु का गुरु, चेले का चेला। राग द्वेष दोनों से न्यारे, ऐसा गुरु शिष्य को उतारे, आशा तृष्णा कुबुद्ध जलाई, तन मन वचन सवन सुख लाई। अब कह रहे हैं निरालंब भ्रम रहत उदासी निर्विकार जानो निर्वासी। पहला निर्वासी बोल रहे, वासनाहीन। साहब के शब्द कोकला में है भाई, रामायण तो एक श्लोक में खत्म हो जाती थी ना, लेकिन गोस्वामी जी ने 24,000-21,000 कुछ साखियां दोहे छंद रमेनिया सोर से क्यों बोले? उस जटिल को सरल सरलीकृत करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता पड़ी। पहला निर्वासन। अब यहां शब्द हैं, अमली होकर धरे ध्यान, अमली होकर धरे ध्यान। नशा करने वाला अगर ध्यान करना चाहे कभी नहीं कर सकेगा, वो तो एकाग्र ही नहीं हो पाएगा। जह लग अमल पदार्थ जेते, अभक्ष जानकर तजिए तेते, उनको अभक्ष ही कहा गया है। आगे कह रहे हैं अमली होकर करे ध्यान, ग्रही होकर कथे ज्ञान, साधुओं के कूटे भग कहे कबीर ये तीनों ठग। दरअसल एक प्रथा बनी थी, कैसी प्रथा थी सुने, पुलिस वालों को अलग वर्दी दी है ताकि संकट में आदमी आइडेंटिफाई कर पाए, उसके पास चला जाता है बताने, नहीं तो ढूंढना पड़ेगा। इस तरह
हर डॉक्टरों को वर्दी दी है, गाउन पहनते हैं, वो उनकी आइडेंटिफिकेशन है। इसी प्रकार से पहले जमाने में जो प्यून का काम करते थे उनकी अलग वर्दी थी, यूनिफॉर्म थी। इसी तरह प्रचारक और उनको भेष, वो भेष ले रहे हैं, क्यों? ताकि आम आदमी जान जाए कि ये अध्यात्म में, अध्यात्म का प्रचार करता है। तो आइए साहब क्या बोल रहे हैं, अमली होकर धरे ध्यान, अमली होकर करे ध्यान, अमल करने वाला ध्यान नहीं कर सकता। ग्रही होकर कथे ज्ञान, जो खुद माया में फंसा हुआ है आपको क्या देगा। साधुओं के कूटे भग कहे कबीर, ये तीनों ठग है, ये तीनों ठग है। जब मैं ये बातें बोलता हूं उनकी पूरी नाड़ियां दब जाती हैं, क्योंकि वो तो बाल बच्चा पालने के लिए काम कर रहे हैं ना, उनका लक्ष्य तो केवल इतना ही है, और कोई लक्ष्य नहीं है। पेट के कारण करे गुरुवाई, पीढ़ी सहित नरक में जाइए। साहब ने वाणी में लिखा है, इस तरह के वंशक गुरु 60 लाख जेल में पड़े। निर्मोही, निर्बंध, निपंका, निर्मोही, निर्बंध, निशंका, यानी खुद फंसाए, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले तो गांड सुलावे कौन। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोते मेल न जाए कोई। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले तो गांड सुलावे कौन। यानी वो निर्बंधन हो, पहला साहब कह रहे निर्वासना, फिर कह रहे निर्बंध। सावधान, निर्वाण, निबंका, एवर टाइम चेतन अवस्था में रहने वाला। बंका कहते हैं टेढ़े को, उसमें टेढ़ापन न हो। निबंका तीसरा क्या कह रहे, सारग्राही और सर्वज्ञी। सारग्राही का यहां यह मतलब है अपनी कमाई का खाएं। दरअसल ऐसी बातें करने वाले लोग जो हैं वो मानसिक रूप से विकृत हैं, उनका दिमाग आलोचनाओं में विकृत हो चुका है। अब यहां साहब क्या करें, सारग्राहियों अपनी हक की कमाई खाए, संतोषी ज्ञानी सत्संगी, आप संतोषी हो। अब आगे क्या बोल रहे हैं, अजाचक किसी से न मांगे। मांगना 3 प्रकार का है, साहब भी अपनी वाणी में कहे, याचक भिखारी को कहते हैं। भिक्षा 3 तरह की, एक है मानस, मन से चाहना कि ये मुझे कुछ दे। एक है राजस, लोगों को ये बताएं हम ये काम कर रहे हैं, हमें धन दे दो, उन्हें मोटिवेट करना। तीसरा है तामस, तामस भिक्षा में भ्रमित करके, बहला फुसला करके, बहम में डाल करके, धोखा दे करके जो धन लिया जाता है वो तामस भिक्षा है। ये तीनों न लें। फिर क्या, आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति क्या है, आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी, उसको खून बराबर समझो, जिसमें खींचा था नहीं। पक्ष रहित अस्त्र शुद्ध वाणी, वो पक्ष रहे तो पक्षपात नहीं करे। निस्तरंग बाही प्रपंचा, यानी मनमौजी नहीं हो, उसका मन नियंत्रण में होना चाहिए। निष्कर्म
निर्लिप्त अभिंशा, निर्लिप्त हो, किसी पदार्थ में लिपायमान नहीं हो। कबीर मन तो एक है, कबीर मन तो एक है, भावे जान लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। बोल अडोल भाखे सो साची, कोई बात कहे ना काची, झूठ बोले नहीं। जहमत कार जीव का हो, निर्णय वाक्य उचारे सोई, झाई संत काल का फेरा पार, पारक लाए करी निर्भर। जात बढ़ाई आश्रम है, मान बढ़ाई खोए, जो सदगुरु के पल लगे साचा शिष्य सो। अब यहां साहेब कह रहे ये सब अहंकार को त्याग करके गुरु की शरण आना, वजह ये मैं हूं, यही अहंकार है, यही आत्मा के लिए बाधक है। अब साहेब कह रहे सार शब्द गुरु से पाए, जाते जीव काज बन जावे। वो सार शब्द सदगुरु से पाए और गुरु आगे राखे मात, करे विनय दुख मेटो नाथ। अहो अधीन तुम्हारे दासा, देव आपने चरण चरण वासा। आखिर क्यों, मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई गुरु दीक्षा देता है, चलो वो आप स्मरण कर रहे हैं, गुरुमुख कैसे बने? गुरुमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मस करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। आइए गुरुमुख क्या बने, क्या गुरुमुखता क्या है? शब्द सेवे सो गुरुमुख होवे। कौन सा शब्द सेवे? दीक्षा के समय आपको सात नियम बताए, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। इन सात नियमों का पालन करता है हर पाप से बच जाएगा। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्म नजर आता नहीं। अर्थात पाप करने वाले का वो परमात्म तत्व को प्राप्ति नहीं कर सकता, उसकी बुद्धि ठीक नहीं होगी। इसलिए जिस समय गुरु नाम देता है, पहले गुरु हृदय शुद्ध कर देता है। हृदय की शुद्धि के बगैर आप अंतःकरण में कुछ नहीं देख पाएंगे। ये गर्भ निवारक नाम है भाई, गर्भ निवारक नाम है भाई, नाम गर्भ निवारक है। तो गुरु बिन हृदय शुद्ध ना हुई कोटन बांध करे जो कोई, वो नाम गर्भ निवारक है, हृदय शुद्ध कर देगा तभी आप अपने अंदर आगे बढ़ सकते हैं। अरे भैया गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कोई कोटन करे उपाय, चलना भी तो गुरु से सीखा, शिक्षा भी तो गुरु से सीखी, दुनिया के जितने भी पदार्थ है सभी तो गुरु से सीखे। इसलिए साहब कह रहे कि प्रथम गुरु माता पिता रज भी रज के हैं वो दाता। साहब ने व्याख्या दी है, जब छोटे से छोटे काम को हम बिना गुरु के सर अंजाम नहीं दे पा रहे हैं तो अध्यात्म में कहाँ से होंगे। गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो बिनंच शंकर समोई, ये नितान्त आवश्यक है। अगर आप उन नियमों का पालन करते चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा तप है, तभी तो बोल रहे हैं ना, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। सात दीप प्रति परिक्रमा, सार शब्द में बिटे न वर्मा, सार शब्द निरक्षर रूपा, क्षर अक्षर निरक्षर पारा, विनती करे तैतास तुम्हारा। ये साखी प्रमाण सिर्फ आदमी को सरलीकृत करने के लिए बोले जाते हैं। जो कुंद मस्तिष्क के हैं, जिनके जो हाइपर दिमाग के हैं, जो झुंझलाट जिनके अंदर है, उलझुल बातें कर रहे हैं, मस्तिष्क विकार से सफरिंग करते हैं। हरेक मार्गदर्शक प्रमाण देता है, ठीक वैसे ही जैसे आप देखें कोर्ट में वकील जिरह के बाद जज को कहता है, सर
इस धारा के अनुसार मेरे मोकल को ये लाभ मिलना चाहिए। रेफरेंस दे रहा है, सच शास्त्रों के की वाणी एक रेफरेंस है, पुष्टिकरण है। तभी साहब ने एक शब्द कह दिया, को कहे वेद झूठा, को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचारा। सार शब्द को अंग विचारे, मनुष्य लक्ष्य भले निर्वारे, पश्वत धर्म को रूप लगावे, कर निर्वार सब गुरु बतावे। अब यहां साहब क्या करें, ये सब चीजें गुरु बताएगा। यहां तक वाणियों में आ रहा है, अगर परिवार का गार्जियन परिवार के लघु छोटे लोगों को शिक्षा नहीं देता है तो वो अपराधी है। इसलिए साहब कह रहे हैं, गुरु ने उसको सार असार और सत्य असत्य का निर्णय करके बतलाना है। हंस स्वरूप है लीजे जानी, सभय बतावे सदगुरु जानी, साथ झूठ का निर्णय करे सत्य हो हृदय। इसलिए नीर छीर का करे निवेरा, सोई जन है मेरा, पक्का सौदा गुरु से लेवे, देख अधीन गुरु सब देवे, गुरु सो देव सब कुछ। भाई क्षण में मेटे काल का सया, क्षण में काल जाल से छूट के मोक्ष मलिन की चाह, सत्य मिलन की युक्ति सब गुरु बतावे राह। गुरु गूंगे गुरु मावरे, गुरु के रहिए दास, जो गुरु भेजे नरक में रखिए स्वर्ग की आस। गुरु से पूछे ब्रह्म स्वरूपा, गुरु से पूछे प्रकृति अनुपा, गुरु से पूछे सूक्ष्म तत्व। यही तो कांग भूषण भी बोल रहे, जो अनंत प्रलय देख चुके। जब उनसे पूछा गरुड़ ने, आपको क्या सूल है दुख है जीवन में, पता है कांग भूषण ने बड़े प्यारे तरीके से कहा, एक असूल बिसरत नहीं कहो, गुरु को कोमल शील स्वभाव, मैं शटहट सत बुद्धि न आना, कर प्रयास भव भांति जड़ाना। बोला मैं बड़ा शट था, मूर्ख था, लेकिन वो बड़े कोमल थे और प्रयास कर करके मुझे सत्य मार्ग का रास्ता बताया। तो बंधु समय हो रहा है, क्षमा चाहूंगा आज थोड़ा मैं लेट हुआ। इस तरह गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन यह सरस दूजा नहीं, हरि सेवा युग चार है, गुरु सेवा पद एक, जिसका पटतर ना तुला संतन किया विवेक। गुरुमुख ला ले गए मन मुख चले मूल कवाई, मन के कहे न चाहे मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और साहेब।